क्या लगता है कुरुक्षेत्र से कौन आएगा? कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल आएगा जी। तो मतलब आप नवीन जिंदल को वोट दे रहे हैं कि मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हम तो दोनों को दे रहे हैं, नवीन जिंदल को भी मोदी को भी दे रहे हैं जी। ये पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गया, तो हम बीजेपी को दे रहे हैं जी। बीजेपी ने हमारा बहुत काम कर दिया जी। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ कॉलेज की बस, आई जी कॉलेज की बस चलाता हूँ जी, बेटियाँ को लेके आता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी बस में बच्चे आते हैं ना, सबसे पूछता हूँ, सब मोदी मोदी कर रहे हैं जी। सब बच्चे कह रहे हैं मोदी को देनी है वोट जी, मोदी ने बहुत विकास कर दिया। मोदी को वोट देना है कि जिंदल को वोट देना है? दोनों को देना जी, मोदी को भी जिंदल को भी। आप मोदी को वोट, मतलब मोदी को देख के वोट दे रहे हैं कि जिंदल को देख के वोट दे रहे हैं? मोदी को देख के दे रहे हैं जी। हम तो मोदी ने जो काम किए ना, वो कोई आज तक प्रधानमंत्री ने आज तक काम नहीं किए जो मोदी ने काम कर दिए। ऐसा काम कोई प्रधानमंत्री आज तक किया किसी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी जी रह गई, उसने 84 के दंगों में हमको बर्बाद करके धर दिया था। हाँ जी, हम तो मोदी को ही वोट देंगे। मेरे साथ 64 बच्चे आते हैं, बेटियां आती हैं मेरे साथ, सभी ये कह रही हैं हम तो मोदी को वोट डालेंगे सब। अच्छा, तो आप यहीं से हैं? नहीं, मैं गांव अपना मेरा। अच्छा, हरियाणा से ही हैं? हरियाणा से हैं। तो मतलब बता दें आपको कि हरियाणा से कितने खिलाड़ी निकलते हैं, बहुत सारे जो भी है स्वर्ण पदक लेके आते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, तो फिर वो खुश क्यों नहीं है मोदी सरकार से, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? देखो जी, पांच उंगलियां है ना, पांचों का अलग अलग होता है, एक छोटी है एक बड़ी है, ये सिस्टम होता है। अब मोदी ने क्या नहीं किया, क्या काम देश का क्या नहीं किया उन्हें, मतलब फिर खुश क्यों नहीं है, फिर उनको प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? इलेक्शन आएगा ना, जब पता चल जाएगा इलेक्शन से खुश क्यों नहीं है, जब वोट डालेंगे ना, जब पता चल जाएगा। यहाँ से नवीन जिंदल पूरी वोटों से पूरा जीतेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। यही बीजेपी पार्टी ने नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था, फिर उनको अपने पार्टी में शामिल भी कर लिया, क्या कहना चाहते हैं इस पर? मेरी सुनो बात है, इला चोर वाली बात होगी। अब यहाँ से रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब झाड़ू के साथ क्यों रल ली है फिर? केजरीवाल तो अंदर बैठा है अभी, उन पे भी तो इल्जाम लगा है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं तारा, आप उसके साथ क्यों कर रहे हो? अपना उम्मीदवार तारो, आप भी कांग्रेस पार्टी एक देश की है, पुरानी पार्टी है, फिर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं तार रही? झाड़ू को कौन समर्थन दे रही है, ये झाड़ू के साथ कैसे चल रही है? हाँ जी, झाड़ू के साथ क्यों चल रही है? अपना उम्मीदवार तारो, पता लग जाएगा आपको। सुशील कुमार गुप्ता कुरुक्षेत्र से जीत रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे, कैसी छवि? नया चेहरा है अभी, कुछ नहीं उनको देखा नहीं करा नहीं आज तक, है नहीं। हाँ जी, मतलब रह चुके हैं वो भी विधानसभा में? हमने देखा ही नहीं उसको जी, हम उसको बोलते ही नहीं, सुना नहीं, कभी मिले नहीं, कभी कुछ देखा नहीं उसके बारे में। नवीन जिंदल जी को देखा है? जी, नवीन जिंदल हमारे यहाँ के एमपी रह चुके हैं जी, देखा जी हमने। देखा है, मिला है कभी आपने? मिला जी, मेरे को मेरे गांव में आके गया खुद। मतलब अभी जनता बता रही थी कि 2-3 दिन पहले ही वो अमेरिका से आए हैं, वो जनता ही बोल रही है यहाँ पे। ऐसे तो पता क्या, पता लोग पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे जी, क्या कुछ बोलेंगे ये। अब कांग्रेस पार्टी इतनी घबराई हुई है ना, हैं, इनको कुछ नहीं दिया, ये इतना इनको अपना भरोसा था ना, अपना उम्मीदवार उतारती, झाड़ू के साथ क्यों समझौता किया इन्होंने, अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा इन्होंने? अब 48 घंटे के लिए इसको बंद कर दिया, रणदीप सुरजेवाले को 48 घंटे अब बैन लग गया उस पर। बीजेपी पार्टी ने लगाई है ना? हाँ जी, बीजेपी ने लगाया, ये चुनाव कमीशन ने लगाया है उसके ऊपर, उन्हें गलत बोला था हेमा मालिनी को, हाँ उसके लिए लगा उसके पास। हाँ जी, तो अब बताइए किसकी सरकार आने वाली कुरुक्षेत्र में, क्या लग रहा है? आम आदमी की पार्टी आओगी। आम आदमी क्यों? क्योंकि चेक लिए सब तय। क्या क्या क्या? रज लिए सब तय, दुखी हो लिए। अच्छा अच्छा, आम आदमी, आम आदमी है। सुशील गुप्ता के साथ में? हाँ जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? अच्छा, 10 साल से पहले बीजेपी के यहाँ जीत रही थी, उसने कुछ काम किया था? वो तो सारी जनता जाना किसा काम कर रखा है। नहीं, आपको क्या लगा नवीन जिंदल ने काम किया था? नवीन जिंदल ने तो पहले तो करा था, करा जब कांग्रेस में था तब करा था। हाँ। और अभी बीजेपी के साथ में ना। अब नहीं करेगा? अच्छा, सुशील गुप्ता के बारे में क्या ख्याल? बड़ी आदमी, शिक्षित व्यक्ति है। और अपोजिशन में जो नवीन जिंदल है वो?
वो हैं तो बड़ी आदमी, पर बीजेपी में फंस गए ना। उन्होंने तो आरोप लगाए थे ना पहले। तो आरोप मिटे तो दिए ना, तो बीजेपी का गुर्गा हो गया वो सब भी जिस बड़ घुमाओगे उस बड़ चल लेंगे। अपने आरोप हटाने के लिए बीजेपी में चले गए। नहीं, जबरदस्ती लिया हूँ। तो बीजेपी ने जबरदस्ती लिया, क्यों? क्योंकि वो आरोपी थे यार, तो उस पर चाबी कस दी। इसलिए लिया कि नवीन चैनल के वोट ज्यादा पड़ेंगे इसलिए ले लेता हूँ। ये उनके पास यहाँ है ही नहीं कोई आग भाई किसान टिकट देश के। अच्छा, यहाँ पे लोगों का रुझान सुशील गुप्ता की तरफ है? हाँ बिल्कुल है। अच्छे छवि के नेता है। हाँ। अच्छा, और बताइए आप आम आदमी पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं? बस इतना कोने अपना आप मतलब सीमित है, वो ठीक काम कर रहे हैं, इस तो बड़ी अच्छी चाहिए। और दिल्ली में सरकार खुश है? बिल्कुल खुश है। जो स्कूल है ये स्कूल बेचन पतुल रहे हैं, ये स्कूल बनावा हुए हैं, बढ़िया टीचर लगा हुए हैं, और इस तरह बढ़िया के चाहिए जनता ने, के चाहिए कि भाई हमारे खातिर कुछ ना कुछ हो। तो जो नीचा निचला तबका है वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ है, उसमें ये बैन लान लाग रहे हैं, तो और के कमी रहेगी ना? बढ़िया टीचर देते ना बढ़िया संभालते। बदलाव चाहती है जनता इस बार की कुरुक्षेत्र के। बिल्कुल चाहो है। और डॉक्टर ने बताया दिया, बोल रहा है थी बता दिया, बस भाइनों के साथ हम सारे खड़े हो रहा हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि मतलब इस बार चेंज हो, सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से आए? कुरुक्षेत्र से आए बच्चे तो आप पे, कोई बच्चा कहीं जा रहा है स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा रहे, सरकारी में तो कोई गोरी नहीं है। अच्छा, सरकारी तो स्कूल ना तोड़ने पर फिर रहे हैं। तो मतलब चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में बदलाव हो, कुछ चेंजेस आए। इस पर चलेंगे, एक केजरीवाल पर करेंगे बदलाव, करेंगे का तो का सरकार बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे। कांग्रेस देख ली या देख लिया, मोदी भी देख लिया, मानो देव आम आदमी पार्टी को, आम खास पार्टी में चलेंगे का तो। आपकी क्या राय है? आम तो बीजेपी का नहीं है। क्या चाहते? मोदी ने बहुत विकास कराया, राम मंदिर बनाया दिया रिश्ते ऊपर के। राम मंदिर से आपको रोजगार मिलता है? सबसे बड़ी आस्था हिंदू धर्म की, राम राम सबसे बड़े हिंदू धर्म में, उसकी आस्था के ऊपर वोट गेट दे रहे। अच्छा, मतलब आप आस्था के ऊपर वोट दे रहे हैं? क्या आप क्या काम करते हैं? हम तो सुपरवाइजर हूँ, अपने काम करूँगी जी। बीजेपी, बीजेपी स्टूडेंट है। कुछ रोजगार? नहीं अभी नहीं है। पढ़े लिखी सरकार आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी तो अनपढ़ों की है, ये कहना चाहता हूँ मैं तो। कुरुक्षेत्र से इस बार सुशील कुमार गुप्ता आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, पढ़े लिखे भी हैं। कोई नहीं, वो तो टाइम बताओ कि किसका बलबूता ज़्यादा है यहाँ पर, प्रबल ज़्यादा है, यानी किसका बोलबाला ज़्यादा है, वही आएगा। वैसे EVM का घोटाला था तो बीजेपी आएगी। EVM के अगर EVM घोटाला हुआ तो बीजेपी आएगी, आपका कहना है? यही है, EVM तो घोटाला लगा है, और जर्मनी जैसे देशों में बैन है, इंडिया में अभी लाई गई है EVM। मतलब जनता बदलाव चाहती है। पढ़ी लिखी सरकार आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, नेता बढ़िया होना चाहिए जो आम लोगों की समस्या सुन सका, जमीनी तौर पर जुड़ा हो, जो जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ हो। जमीनी तौर पर? हाँ, जमीनी तौर से जुड़ा हो गरीब लोगों से, जो सबकी समस्या को अपनी समस्या समझे, बस यही कहना चाहता मैं तो। धन्यवाद अंकल जी। आपका नाम? मेरा सुरेंद्र है जी। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से कौन आ रहा है? सुशील गुप्ता जीतेगा जी, जो पहले कोयला घोटाला लगा नाम इसने लिया मोदी, भाई मोदी ने भाई कोयला घोटाला लग रहा है इन्हें, अभी साफ हो गया जी। बीजेपी सबको दबाने की कोशिश करे जी, उसको पकड़ के जेल में कर दे है, और फिर उसने टिकट दे दिया जी। सारे 6 सांसद तो बीजेपी ने ये बाजे दे दी सब तक, पहले इन पर आरोप लगा दिया, इनको टिकट दे दिया। देश की कल अखबार उठाकर देखो, कर्ज में डूब गया देश, ना कोई काम होया। हरियाणा के अंदर देखो, कैथल के अंदर कोई एक भी काम नहीं, देख मेडिकल का काम अब स्टार्ट होया, नहीं एक भी काम नहीं हुआ कैथल के अंदर।
और कर्जा ले लिया देश भर का, पढ़े लिखा आदमी तेरा वोट नहीं देगा। सिर्फ ही हिंदू धर्म लड़ा रहे हैं, बस मैं हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट में लड़ा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी पार्टी वो पार्टी है कि जो अपने में शामिल कर लेती तो उन्हें साफ सुथरा हो जाता है, वो दुआ कर देती है भाई ये तो इसको नाम तो वाशिंग मशीन रख दिया है लोगों ने, भाई इसकी पार्टी में आ जाओ और वाशिंग मशीन है धुलाई कर दे उसका पाप सारे धो दे, गंगा है तो एक प्रकार की। हाँ जी आपकी क्या राय जी? मेरी कोई राय नहीं है, एक मिनट रुक जाओ मैं। नमस्कार, कौन आ रहा है? नवीन जिंदल आ रहे जी। अच्छा, हाँ जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं पहले 10 साल भी पहले जी। अच्छा। और आप फिर दोबारा लोगों की सेवा लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का मंदिर बनाया जी और यहां पर कितना विकास किया है? बहुत विकास किया जी। अभी उन्होंने बोला कि रोजगार नहीं थे अभी कुछ दिन पहले। नहीं नहीं रोजगार अभी लैंड मान लगे हैं जी 2 महीने पहले जी, बहुत रोजगार बहुत सफाई है जी, बहुत सड़कों का सुधार हुआ जी। पहले चंडीगढ़ 2 घंटे लग जाते हैं, अब घंटा में पहुंच जाते हैं जी। हाँ जी मोदी आएगा जी दोबारा जी। यही मोदी ने उनको चोर बोला था? नहीं नहीं मोदी चोर नहीं है जी, मोदी ने नवीन जिंदल को चोर बोला था, कोयला चोर बोला था, अब वही उनको कोहिनूर बोल रहे हैं। नहीं नहीं कोई नहीं जी बोला था उन्होंने? नहीं नहीं जी कुरुक्षेत्र से ही बोला था सर? नहीं नहीं कोई नहीं बोला जी, ना बढ़िया काम कर रहे हैं जिंदल ने, पहले बहुत काम कराया जी, विकास बहुत काम कराया जी। अच्छा। गरीब जैसे कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छा काम किए थे, कांग्रेस में ही थे? कांग्रेस में थे जी पहले। हाँ। पहले बीजेपी भी 10 साल से रह रही है जी, काम नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं बहुत काम किया जी। क्या काम किया गिनवा दीजिए? हरियाणा में यहाँ पे कैथल पे कौन सा काम किया है बीजेपी? सड़कों का बहुत काम किया जी, और भी बहुत। रोजगार कितने मिला है? बहुत रोजगार मिले जी। हाँ जी लैंड मान लो को जी, पहले डी ग्रुप की भर्ती में भी बहुत काम हुए जी। पेपर भी लीक हो जाते हैं? नहीं नहीं पेपर लीक नहीं हुए जी, और योगी जी बहुत काम कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी कौन आ रहा है? सर आपका शुभ नाम? राजू है जी। अच्छा ये कुरुक्षेत्र से किसकी सरकार बन रही है, कौन आ रहा है? अब तो सुशील गुप्ता को वोट देंगे जी, आओ चाहे कोई। एक बात सुनो जी, जब नवीन जिंदल आता 5 साल पहले कोले के घोटाले मंदिर गिर रहे थे, अभी वो नवीन जिंदल बीजेपी में आ गया, इसका मतलब उसका घोटाला खत्म हो गया है ये थोड़ा। हम हाँ ये ना दिल्ली से लेकर चलो, दिल्ली केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार में थोड़ा दारू के उसमें घोटाले मंदिर गिर दिया, जब अपनी घोटाला इस बात ने लेकर चलो, बस हम तो यही जाना भी चलो अच्छी बात है, आने चाहिए सुशील गुप्ता। बदलाव चाहते हैं, आना चाहिए बदलाव तो आना चाहिए। 10 साल हो गया, क्या उम्मीद है आपको? मतलब 10 सालों में जो काम नहीं हुआ है क्या ऐसा जनता क्या उम्मीद लगा रही है? बस सुशील गुप्ता का वोट दबा हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में सब कुछ हो जाएगा जी, बस मतलब चेंजेस होगा कुछ होएगा क्यों? चेंजिंग होएगा जी, कांग्रेस की सरकार आएगा चेंजिंग हो जाएगी बस। इस बार सुशील गुप्ता को देगा क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। धन्यवाद।